सलमान को मैंने बुलाया था, वो आ भी रहे थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, वो उनकी फ़्लाइट रात को आ रही है, उनका एक मिस हो गई फ़्लाइट बारिश की वजह से, हैदराबाद में बारिश हो रही थी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ वहाँ पर आएंगे। पूरा श्रेय आई थिंक किरण और आमिर को जाना चाहिए कि दे सपोर्टिंग सच सिनेमा। आई थिंक एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आमिर और किरण, एंड इट्स रियली इट्स गुड टू सपोर्ट फिल्म्स व्हिच हैव सच बिग मीनिंग एंड आर बीइंग अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। Prominent Bollywood stars were seen at a special screening of the film Ship of Theseus that was hosted by superstar Aamir Khan. Have a look. आज मैंने एक खास स्क्रीनिंग रखी है मेरे दोस्तों के लिए, इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए, एक्टरों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, क्योंकि ये फिल्म जो है शिप ऑफ थीसियस जो बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है, 19 को शायद रिलीज़ हो रही है, और जो इस फिल्म की जो टीम है, कास्ट एंड क्रू है, उनको मैं मिलाऊं हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन टैलेंट से, क्योंकि इस फिल्म में जो टैलेंट है वो नया टैलेंट अभी आ रहा है हमारे इंडस्ट्री में, और तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है मेरे दोस्तों को ये फिल्म दिखाने का। मैं तो हर एक की ओपिनियन चाहूँगी एक्चुअली, ये सारे जो आए हैं हमारे जो हमारे मेहमान हैं सारे हमारे दोस्त भी हैं, तो मैं एक एक का की राय चाहूँगी के ओपिनियन चाहूँगी, और उम्मीद ये है कि उनको अच्छी लगेगी फिल्म। आमिर किरण हैव डन टुडे इज रियली नाइस एंड आई थिंक द फिल्म इज अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म दैट एवरीवन शुड गिव इट अ चांस टू सी, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग। क्या पार्टी होने वाली है कटरीना का? आई थिंक पूरा श्रेय आई थिंक किरण और आमिर को जाना चाहिए कि दे सपोर्टिंग सच सिनेमा, एंड यू नो थिंग्स लाइक दिस जहाँ लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैसी फिल्म है, यू नो इसमें कोई स्टार नहीं है, गाने नहीं है, तो ये ऑडियंस को कैसे उत्साहेगी। बट आई थिंक इस फिल्म में गानी इतनी पावरफुल है, आई थिंक इस फिल्म की गानी आई थिंक एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आमिर और किरण, एंड इट्स रियली इट्स गुड टू सपोर्ट फिल्म्स व्हिच हैव सच बिग मीनिंग एंड आर बीइंग अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड, तो मैं अपना सपोर्ट दिखाने आई हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स वेरी नाइस दैट सो मेनी पीपल हैव टर्नड अप फॉर द स्क्रीनिंग टुनाइट। I'm really looking forward to hearing from each one of them. ये फिल्म किरण ने देखी थी बहुत पहले और इतनी उनको पसंद आई तो फिर उन्होंने मुझे दिखाई और मुझे भी बेहद पसंद आई ये फिल्म। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सिनेमा की, इंडियन सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म है, बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत अनयूजुअल अलग किस्म की फिल्म है। और फिर किरण ने फैसला किया, ये फिल्म को रिलीज़ नहीं मिल रही थी और ऐसी फिल्में आमतौर से मुश्किल से थिएटर तक पहुँच सकती हैं, लेकिन हम दोनों को लगा कि ये फिल्म ज़रूर लोगों को देखनी चाहिए और उनके सामने पेश होनी चाहिए और लोगों को मौका मिलना चाहिए, हिंदुस्तानी ऑडियंस को मौका मिलना चाहिए इतनी बेहतरीन फिल्म देखने का। लोगों की जो एक्सपोजर भी बहुत बढ़ चुकी है, आजकल लोग फॉरेन इंटरनेशनल फिल्म देखने लगे हैं, सो आर ऑडियंस इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अफसोस की बात यह है कि अक्सर ऐसी फिल्मों को ढंग का सपोर्ट नहीं मिलता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जैसे जहाँ से वो लोग ऑडियंस तक पहुँच सके। I think it's great that Kiran has thrown away, thrown her support behind this. I know that all of us are very proud of her. और एक जो किरण जी की सेंसिबिलिटीज़ है और आमिर जी की सेंसिबिलिटीज़ हैं, आई थिंक जैसे कि प्रोमो से लगता है देखने में इसमें कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो हमारे लिए कुछ हमें सोचने को भी मजबूर करेगा, साथ में एंटरटेन भी करेगा। एक अच्छी ऑडियंस के लिए ये फिल्म है और चूँकि हर जगह काफ़ी
बातचीत हो रही है नेशनल इंटरनेशनली काफी सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली बहुत लोग देख रहे हैं। आई हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट दिस फिल्म वाज, आई जस्ट हैड सीन वन इमेज ऑफ ऑल दिस पीपल सिटिंग ऑन दैट रॉक नियर दैट्स व्हेन एंड दैट इमेज हैड समहाउ गॉट माय अटेंशन, सो आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज। आई थिंक शिप ऑफ थीसिस इज अ वेरी गुड फिल्म and it has a lot of messages about a lot of things. Yes, actually we've heard a lot of great things about it, so I'm actually really excited to be here, dying to watch the film. Jo meaningful cinema Aamir Khan support karte hain, chahe wo kitni live ho ya fir काफ़ी हटके जैसे फिल्म डेली बेली थी वो सपोर्ट किया, तारे ज़मीन पर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिमिलर जॉनर, उसी जॉनर की फिल्म है जो काफ़ी अलग है, जो थिंकिंग ऑडियंस या फिर जो सिनेमा के लवर्स हैं वो देखना पसंद करेंगे। वेरी एक्साइटेड, लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव सीन इट बिफोर, तो बहुत तारीफ सुनी है, काफ़ी प्रेज, लॉट ऑफ प्रेज फॉर द डायरेक्टर फॉर द फिल्म, सो या होपफुली वी विल एंजॉय। सलमान को मैंने बुलाया था, वो आ भी रहे थे लेकिन उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, वो उनकी फ़्लाइट रात को आ रही है, उनका एक मिस हो गई फ़्लाइट बारिश की वजह से, हैदराबाद में बारिश हो रही थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ पर आएंगे और फिल्म आज नहीं देख पाएंगे वो। अच्छा हाँ करेक्ट, मैंने भी यही सुना है। I know that Aamir invited me for dinner at his house. I didn't notice for Katrina's birthday. Katrina ji ki ka janmdin hai, unhone kaha hai ki wo zarur aayengi aur mujhe khushi hai ki Katrina ji aa rahi hain aur unka birthday ka cake bhi hum kaatenge. Actually Aamir did all the organizing. I was late because I am organizing the party at home. Yeah, it's her birthday. We are very excited. It's also the lead actress Aida's birthday tomorrow. So yeah, there'll be some cake cutting. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Katrina, happy birthday. मैंने wish कर दिया लेकिन तुम्हारे लिए सुना, मैं कर देती हूँ, happy birthday Katrina. उसको मैंने बोल दिया अंदर. Happy birthday to Katrina. Oh, is it? हाँ हाँ अंदर है, हमें wish करना है. Katrina is very attractive, very hot, and I think hopefully if I get to work with her in the future. Katrina के साथ काम कौन नहीं करना चाहता है? She's awesome, she's a good actor and she's beautiful. So happy birthday Katrina, big fan. बहुत ही अद्भुत फिल्म थी, बहुत ही पावरफुल है, एंड आई थिंक आनंद डायरेक्टर ऑफ दिस डेफिनेटली नीड्स एन ऑडियंस, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी फिल्म है और बड़ा मजा आया। बहुत प्यारी फिल्म है और एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज देती है, तो आई थिंक इस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आई लाइक ट्राई एंड एनकरेज टैलेंट व्हिच आई फील इज वेरी वेरी गुड एंड यू नो व्हिच नीड्स a platform, so I really believe that this film has got amazing talent, the director, the writer, the DOP, all the technicians have done a wonderful job, the music, the actors are fantastic, so it's such a gem of a film, it's such a fantastic film. My hands are so full with so many things. I'm doing Dhoom 3 and I'm doing PK and you know, we're also working on season 2 of Satyameva Jayate, so it's very difficult for me to take on more responsibilities. Bollywood Hangama News Network.